जारा में भी ये है, बट ये बहुत ज्यादा महंगी ना। मुझे भी डाउट था यार, मैं आजियो से लूं नहीं लूं। हाइट के हो लाइक 5'3" के आसपास, मेरे पैर आगे से ब्रॉड है। वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। इफ यू आर न्यू हियर, हाई आई एम नीलम चौहान। प्लीज टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई विल पोस्ट न्यू वीडियो ऑन माई चैनल। टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट आजियो फुटवेयर हॉल। आई एम रियली 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 एक्साइटेड फॉर टुडेज वीडियो एज दिस इज माई फर्स्ट परचेज फ्रॉम आजियो एंड दैट टू इट्स टू गुड। विदाउट एनी फर्दर टू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपको कितने दिन लगता है डिलीवरी में, क्या प्राइस है इसमें, है ना। कुछ ट्रिकी भी है इफ आपको डिस्काउंट ज्यादा चाहिए तो। सो बने रहिए ये वीडियो में आगे तक। एज दिस वॉज माई फर्स्ट परचेज सो मैंने इतनी ज्यादा चीजें नहीं ली बिकॉज कि मुझे नहीं पता था कैसे डिलीवरी होगी, रिटर्न पॉलिसीज एंड क्वालिटीज एंड एवरीथिंग। सो वेरी फर्स्ट परचेज इज दिस जो ज़ारा इंस्पायर्ड हील्स है। और लुक एट दिस हील्स गाइज, दिस इज माई फर्स्ट परचेज। दिस इज अ चंकी हील्ड सैंडल विथ ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप्स, जो आप देख सकते हो यहाँ पे दो ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप्स है। एंड ये हील्स में 5 इंच की आपको हील मिल जाएगी। दिस इज अ वेरी ट्रेंडी ट्रेंडी पीस बिकॉज राइट नाउ ये बहुत ही ज़्यादा चल रही है। इवन ज़ारा में भी ये है बट ये बहुत ज़्यादा महंगी थी, तो आई थॉट कि या तो मैं डिस्काउंट में लूँगी या तो मैं उसका ड्यूप लूँगी। सो दैट आई वॉज वेटिंग फॉर दिस हिल फ्रॉम वेरी लॉन्ग। एंड मैं आपको बता दूँ तो ये है ना आपको मतलब जीन्स में भी चली जाएगी एंड आप एथनिक वेयर में भी स्टाइल कर सकते हो बिकॉज दिस इज ट्रांसपेरेंट, सो इट विल गोज विथ एवरीथिंग एंड एनीथिंग। सो या टॉकिंग अबाउट द मटेरियल, एक्चुअली इसका हील का जो मटेरियल है, और आप ये सोल देख सकते हो कि यहाँ से पूरा वो हील मतलब ट्रांसपेरेंट है। एंड यहाँ पे ऐसा ग्रिप भी दिया हुआ है, तो ऑफकोर्स इसमें कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगी, स्लिप स्लिप होने की दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा आपको वो दिया हुआ है, लाइक क्या बोलते हैं, ग्रिप दिया हुआ है, सो दैट आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। टॉकिंग अबाउट दिस मटेरियल राइट हियर, वो स्वीड मटेरियल का है, लाइक स्वीड मटेरियल होता है वो, बिल्कुल भी स्पॉन्जी और ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा है। या दिस इज फ्रॉम ब्रांड कॉल स्नेक पिक, वो मैं बोलना ही भूल गई। इसकी बहुत ही ज़्यादा हील्स है आजियो पे और बहुत ही अच्छी है, नो डाउट आप आंख बंद करके ले सकते हो, इतनी अच्छी अच्छी है। एंड द क्वालिटी ऑफ दिस हील्स इज वेरी नाइस। एक्चुअली मैंने ये वाली हील्स है ना ऑलरेडी हिल रोड बांद्रा में भी देखी थी, बट द क्वालिटी ऑफ दिस एंड दैट वन इज नॉट कम्पेरेबल। इसमें है ना 3 कलर्स आ रहे हैं, ये बेज कलर है, एक ब्राउन है और एक शायद से ब्लैक है। सो ये सेम रहेगा आपका स्ट्रैप्स एंड हील्स, बट देयर विल बी द वेरिएंट इन दिस सोल, द सोल का जो पार्ट है देयर विल बी द कलर। थिंक अबाउट द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट इज MRP ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 2999 एंड आई गॉट दिस इन अ 1050। अभी आजियोज में क्या होता है, आजियो में क्या होता है कि जहाँ पे आपको दिखा है मतलब प्रोडक्ट का प्राइस दिख रहा है, नीचे यहाँ पे आपको दिखता है कि इन डिस्काउंट ऑन दिस कूपन, बट वो कूपन का है ना आपको कंडीशन रीड करना है कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगी कि कंडीशन रीड करना है कि आपको कितने 1000 से ज़्यादा का परचेज होगा तो आपको वो प्राइस में मिल सकता है। सो इफ आपको ये हील्स के नीचे कोई आपको दिख रहा है कोड कि ये वाला डील दिख रहा है या फर्स्ट ट्राई दिख रहा है या समथिंग लाइक दैट, तो आपको उसका कंडीशन रीड करना है कि यू आर गेटिंग दैट कूपन डिस्काउंट ऑन हाउ मच मनी, लाइक स्पेंड ऑफ 2500 और 3000 और 3500, तो आपको ऐसे डील करेगा, बट वो बहुत ही अच्छा ऑफर रहता है और उसमें आपको मिल जाता है। सो टॉकिंग अबाउट द पैकेजिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट इज लाइक दिस, ये ऐसे बॉक्स में आते हैं लाइक स्नेक पिक, मतलब जो ब्रांड है उसका ही बॉक्स है, बट द पैकेज इज लाइक दिस, सी सभी जगह से ऐसा है, बट इट्स ओके, मतलब ऑफकोर्स वो ट्रांसपोर्ट में ऐसा हो ही जाता है, इन ट्रांजिट में तो डैमेज होना ही है। कि इसमें मेरा साइज है 38 UK 5.5, तो आपको मतलब वहाँ पे साइज चार्ट दिया हुआ है। सॉरी फॉर द नॉइज बिकॉज बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर, यू कैन सी यार बहुत ही क्लासी लगता है, आप किसी भी जगह कुछ भी पहन के चले जाओ इसके साथ, बहुत मतलब आपको लेना है ये हॉल में से तो ये वाला ले लो, सब पे चल जाएगा। सेकेंड इज अगेन हील, सो दिस इज द हील, यू कैन सी
Can you see how gorgeous and aesthetic this looks? How this design looks like? Because ki main sabse zyada ye design ke piche pagal thi. एक्चुअली आपको मैं यहाँ पे अटैच करके दिखाऊंगी. दिस इज सेम ज़ारा ड्यूप मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि सेम टू सेम ज़ारा का मैंने इवन ट्राई करके भी देखा है मॉल में. दिस इज द ज़ारा हिल जो 3500 का है, और दिस इज द सेम ड्यूप. इसमें दो कलर्स है, ज़ारा में ज़्यादा कलर्स है, तो इफ आपको कलर्स चेंज कर अलग लेने हैं तो ज़ारा वाला ले सकते हो, अदरवाइज दिस इज एग्जैक्ट ड्यूप. You can see how classy this looks like, and I bought this in a black color because मुझे लगा black भी इतना versatile हो जाएगा. मेरी black heels वैसे भी ख़राब हो चुकी है, तो better कि मैं black ले लूँ तो मैं बहुत सारे looks पे पहन सकती हूँ. Talking about the straps, तो यहाँ पे भी आपको transparent straps ही मिलता है. You can see कि transparent मिलता है. यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी sponge मिलती है, जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये दब रही है, राइट. और यहाँ पे हील्स ऐसी है, ये आपको लग रहा होगा कि इसमें गिर जाएंगे, बट दिस इज सो 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 कम्फर्टेबल. टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी, बहुत ही अच्छी है. यहाँ पे आपको सोल में ऐसा कुछ लगाया नहीं है, बट दिस इज नॉट स्लिपरी सोल. और यहाँ पे भी आपको एक ग्रिप दिया हुआ है. अगेन इसमें मैंने लिया है साइज 38 UK 5.5, एंड इसमें दो कलर्स अवेलेबल है. दिस इज ब्लैक एंड वन इज अ पिंक कलर. वो भी बहुत क्लासी लगता है, बट मैंने पिंक में दूसरा मतलब पैटर्न मंगवाया था, सो आई थॉट कि मैं ब्लैक में ये ले लेती हूँ. दिस इज सो 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 गुड. दिस इज अगेन फ्रॉम ब्रांड कॉल्ड स्नेक पिक. तो आप देख सकते हो कि स्नेक पिक में और एक दूसरी एक ब्रांड है जो मैं नेक्स्ट वाली हील्स दिखा रही हूँ, वो दोनों ही ब्रांड में सेम एग्जैक्ट ज़ारा और H&M के ड्यूप्स है. मुझे ये तीन हिल्स मंगवाए क्योंकि मैंने फर्स्ट ऑर्डर किया था, राइट. बट देर आर सो 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 मैनी गुड पैटर्न्स एंड ट्रेंडी हिल्स, कलरफुल हिल्स. डेफिनेटली आपको चेकआउट करना है, आप चेकआउट कर सकते हो. मुझे ये सब हिल्स 4 दिन में मिल गई थी. डिलीवरी टाइम इज 4 to 5 days, तो आपको उसमें मिल जाएगी, और 15 days में आप रिटर्न भी कर सकते हो. दिस बारिश यार. एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं. दिस इज सो कम्फर्टेबल. यहाँ से ना उसका स्क्वायर टाइप का है आगे, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है. टॉकिंग अबाउट द प्राइस, MRP ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 1179, मतलब 1180 के आसपास है. आई गॉट दिस पेयर फॉर 819, मतलब 820 रुपए के आसपास में मुझे मिली है. अगेन मैं बोल रही हूँ कि आपको कूपन लगाने होंगे. कूपन आप ऐसे भी हील्स देख सकते हो जिसमें सेम काइंड ऑफ कूपन्स है, ठीक है, तो वो आप देख लेना. बाकी बहुत ही अच्छी और क्लासी पैटर्न वाला है. सो आपको इसमें पिंक भी लेना है तो ले सकते हो. अभी भी सब बहुत सारे साइजेस अवेलेबल है, पर जब मैं ये ऑर्डर कर रही थी ना, तब है ना ये 2 पीस ही लेफ्ट थे, तो दैट्स व्हाई आई ऑर्डर्ड कि भाई मेरे को चाहिए ही चाहिए. निकल गए तो निकल. नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज दिस pink beauty right here, and you can see how fancy this heels looks like. So 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 trendy right now, because aise heels aapko sirf aur sirf Zara mein milegi, ya to fir matlab aise koi imported late hai na, imported products late hai unke paas milegi mere hisab se, uske alawa aapko nahi milegi. So this is again a pink beauty right here, you can see. एंड इसमें भी अगेन ट्रांसपेरेंट, ये अभी ट्रांसपेरेंट वाला बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है, लाइक नॉर्मल ट्रांसपेरेंट, कलर्ड ट्रांसपेरेंट. सो दैट्स वाई मैंने भी ऐसे ही ली जो अभी ट्रेंडी है. एंड द हील्स यू कैन सी, ये पेंसिल हील्स नहीं है. इफ पेंसिल होती तो आप भी इसमें गिर जाते हो, बट नीचे से है ना ये ऐसा है लाइक, तो आपको ये सपोर्ट देता है नीचे से. भी आपको ग्रिप नहीं दी है, बट यहाँ पे लाइंस है, तो आपको स्लिप होने के चांसेस नहीं है. अगेन आपको यहाँ पे भी सोल में वो कुशनी मटेरियल दिया है, बट वो ब्लैक में सबसे ज़्यादा था, लाइक ब्लैक वाली इससे प्रीवियस वाली में अच्छा खासा कुशन था, बट इसमें कुशन इतना ज़्यादा नहीं है, बट कुशन है. दिस इज फ्रॉम ब्रांड कॉल एवर क्यूपिड. ये मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये मिंत्रा एक्सक्लूसिव ब्रांड है, क्योंकि इसमें है ना बहुत ही अच्छे अच्छे क्लासी एंड टॉप नॉच डिज़ाइंस मैं बोल सकती हूँ. ऐसे फुटवेयर्स है ज़ारा के, तो मोस्टली ड्यूप्स मिल जाएंगे आपको आधे प्राइस में, तो डेफिनेटली चेक आउट दिस ब्रांड.
मुझे एक्चुअली है ना, मतलब ऑफकोर्स मुझे ट्राई करना था कि एजियो का क्या है सीन, इसलिए मैंने 3 ही ऑर्डर किए हैं और ये ब्रांड से मैंने एक ट्राई किया कि क्या है. टॉकिंग अबाउट द पैकेजिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट इज लाइक दिस. ये एवर क्यूपिड का ही है, जो मतलब ब्रांड का है उसका ही बॉक्स आया हुआ है, बट अगेन इसका भी बॉक्स ऐसा ही है, लाइक सभी जगह से ओपन ही है. सो या बट ओवरऑल द प्रोडक्ट इज गुड एंड सेफ, तब तक हमको पैकेजिंग से ठीक है चल जाएगा. टॉकिंग अबाउट द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट इज MRP ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 2899 और मुझे मिला है ये 696 में. एंड यू कैन सी हाउ कूल दिस कलर इज, एंड देर आर 4-5 कलर्स राइट देर. देर आर नियॉन कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, व्हाइट एंड दिस वन. सो आई ऑप्ट फॉर दिस वन बिकॉज मुझे पिंक चाहिए ही था, क्योंकि मैंने उसमें नहीं लिया था. एंड क्वालिटी तीनों हिल्स की बहुत ही अच्छी है. ये भी आगे से आपको स्क्वायर वाले में मिल जाएगा. इसमें भी मेरा साइज है 38 एंड UK 5.5. तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट इफ आप मेरी हाइट के हो, लाइक 5'3" के आसपास. और सबसे मेन चीज वो है कि मेरे पैर आगे से ब्रॉड है, तो मुझे है ना ये सब हिल्स में दिक्कत वही होती है कि मुझे प्रॉपर आएगी या नहीं. सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि यार ट्राई करते हैं, बट ये तीनों हिल्स में मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है. दिस इज रियली 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 गुड क्वालिटी एज वेल एज प्राइस, क्योंकि आपको एग्जैक्टली अच्छी अच्छी ब्रांड की ड्यूप्स मिल रही है. एंड मुझे भी डाउट था यार मैं आजियो से लूँ नहीं लूँ, उसकी रिटर्न पॉलिसी क्या है, बट मैंने सबसे पहले सब रिटर्न पॉलिसी वगैरह रीड किया था और उसके बाद ही मैंने ऑर्डर किया था. सेफर साइड कि मैं एक्सचेंज या रिटर्न तो कर सकूँ एटलीस्ट, बट रिटर्न पॉलिसी है इफ़ आपको एक्सचेंज भी नहीं करना है. रिटर्न पॉलिसी इज इन विद इन 15 डेज है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, होप यू लाइक इट. आपको इस हिल्स में से कौन सी हिल्स सबसे ज़्यादा अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. ये मुझे तो तीनों पसंद है. मेरी पर्सनल फेवरेट तो मैं ट्रांसपेरेंट वाली बोल सकती हूँ, क्योंकि वो इतनी वर्सेटाइल है कि सबके साथ चली जाएगी. सो कमेंट जरूर करके जाना कि आपको कौन सी वाली सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और आप कौन सी वाली ब्रांड ट्राई करना चाहोगे, और आप मुझे दूसरी कोई ब्रांड ट्राई करवाना चाहते हो फ्रॉम आजियोज, तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. टिल देन बाय गाइज, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना. ओके बाय.